सो गाइज, आज मैं आप सबके साथ हेयर ग्रोथ एक टॉनिक शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए लोहे की कढ़ाई में पानी डाल दें 1 से 1.5 गिलास। तो मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए, और अभी थोड़ी थोड़ी भाप हो रही है इसमें। और इसमें हम डाल देंगे 2 प्याज, छोटे हैं प्याज तो मैंने 2 लिए हैं, बड़े हों तो 1 ही लें। तो और छिलके के साथ डालना है, इसको डाल दें, और कड़ी लीव्स डाल दें इतना। दो चम्मच चाय पत्ती, दो चम्मच मेथी दाना पाउडर, मेथी दाना, इसको इसे मिक्स कर देंगे। इसको एकदम धीमे धीमे आंच में पकने देना है, ज़्यादा तेज आंच नहीं करना है। ज़्यादा तेज आंच में करेंगे तो इसकी अच्छी न्यूट्रिशन नहीं आएगी जो आनी चाहिए, जो आपके बालों के लिए अच्छी होगी। इससे इसको आराम से धीरे धीरे आंच में पकने दें, कम आंच में। ये देख सकते हैं एकदम लो टू मीडियम, मीडियम में इतना करें, और ये धीरे धीरे पकता रहे। जब अच्छे से मेथी और प्याज सब कुछ अच्छे से उबल जाएगा तो इसको छान के टॉनिक इस्तेमाल करेंगे। चलो इसको बनने देते हैं। अभी इसको टाइम लगेगा 15-20 मिनट उबलने में, 15-20 मिनट के बाद फिर इसको छान के दिखाएंगे कि कैसे यूज करना है। सो गाइस, जो हमने हेयर टॉनिक बना के रखा है तो उसको अब मैं अपने बालों में लगा लूंगी अच्छी तरीके से। और इसको स्प्रे बॉटल में, अगर स्प्रे बॉटल हो तो उसमें जरूर उसी से लगाएं, क्योंकि इससे हाथ से टपक जाएगा ऐसे, क्योंकि कॉटन से लगाएं। तो ये है हेयर टॉनिक की पहले से ही बॉटल रखी हुई है, तो मैंने इसमें डाल लिया है। और इसको अच्छी तरीके से स्प्रे करके इसे पूरे इसको अच्छी तरीके से मसाज कर लेंगे लगाने के बाद, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है, पानी से बना हुआ है, तो अच्छे से मसाज कर लेंगे ताकि अच्छे से जड़ों में चला जाए और अपना काम कर सके। इसको 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे ऐसे बाल बांध के, और इसके बाद में फिर वॉश कर लेंगे सिंपल पानी से, या फिर आपको शैम्पू से धोना तो शैम्पू में थोड़ा सा यही वाला पानी डाल के, और धो लें। मेरे इसमें अभी बचा हुआ तो मैं रख दूँगी, नेक्स्ट डे इस्तेमाल करूँगी, या फिर 2 से 3 दिन 1 हफ्ते तक ये रह सकता है। फ्रिज में रखते हैं, आराम से रह आएगा। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हेयर टॉनिक लगाया था मैंने, उसके बाद धुलने के बाद कुछ ऐसा आए हुए हैं बाल मेरे, और यहाँ पे थोड़ा अब नेचुरल वाला आने लगे हैं, और यहाँ पे स्ट्रेट हैं, क्योंकि यहाँ से बढ़ चुके हैं बाल, इतनी लेंथ हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे ये अलग दिख रहे हैं और ये वाले एकदम स्ट्रेट दिख रहे हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि मेरे बालों का टूटना, तो इससे अगर आप हमेशा लगातार लगाओगे 10 दिन 15 दिन या जैसे 2-3 दिन में, हफ्ते में 3 दिन लगा लो और इसको लगा के और फिर वॉश करो, और अगर नहीं भी लगा पाते हो ना कि लगाओ थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, तो आप शैम्पू में एटलीस्ट शैम्पू में यही वाला पानी मिलाकर आप उबाल के और फिर यही वाला पानी मिलाकर शैम्पू में डाइल्यूट कर लो और फिर आप हेयर वॉश करो, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शैम्पू में भी बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। और उसको रूट में ज़रूर ऐसे ऐसे मसाज करके बाल धुलें, ताकि रूट में थोड़ा उसका अच्छा जो गुण है वो चला जाए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप लोग ज़रूर, मैं फॉलो करती हूँ हमेशा, मैं किससे इंस्पायर होकर वीडियो बनाना स्टार्ट की, किससे इंस्पायर होकर ये DIY करना शुरू किया अपने ऊपर,
तो ये सब मैं आप लोगों को अगर जानना है तो मैं जरूर बताऊंगी अपने चैनल पे आप सभी को, आप सभी के साथ मैं जरूर शेयर करूंगी। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को जानना है कि नहीं कि मैं किससे इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल खोला था और किससे इंस्पायर होकर मैं ये सब अपने ऊपर ट्राई करती थी। मैं जरूर बताऊंगी, मैं भी किसी को फॉलो करती थी पहले और अभी भी करती हूँ, अभी भी मैं उनकी वीडियो देखती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ, जो वो करती हैं वो मैं करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैं भी किसी से सीखती ही हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को पहले से ही सीख कर आया हो, वो किसी न किसी से, हर कोई इंसान किसी न किसी से सीखता ही है। तो मैंने भी किसी न किसी से सीखा ही है, और किससे सीखा है अगर आपको जानना है तो जरूर बताइए कमेंट करके, मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे तब। आप लोग ये होम रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मेथी दाना कितना अच्छा होता है अपने बालों के लिए, हेल्थ के लिए। आप लोग खाओगे भी तब भी फायदा करेगा और लगाओगे भी तब भी फायदा करेगा। तो बालों के लिए तो एकदम वरदान है मेथी दाना। और करी लीव्स खाओगे अगर आप लोग डेली 4 पत्ते करी लीफ के खा लिए खाली पेट, मतलब सुबह पहले उठो बिना ब्रश किए 4 पत्ते खा लो और करी लीफ खा लो, और इसके बाद में पानी पी लो, फिर इसके बाद ब्रश वगैरह और जो खाना पीना हो तो बाद में खाओ, पहले सबसे पहले उठते ही करी लीफ खाओ। बहुत ही फायदा, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, आप लोग खुद चौंक जाओगे और बालों का झड़ना तो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। मैंने खुद ट्राई किया है, मैं खुद अजमा कर आप लोगों को बताती हूँ। ऐसे कुछ हवा में नहीं फेंकती हूँ मैं, मुझे बहुत फायदा मिलता है। और प्याज का रस तो सभी लोग जानते होंगे, मैं तो हर रेमेडी मैं फॉलो करती थी और मैं ट्राई भी करती थी और आप लोगों के साथ शेयर भी करती थी। पर मैं ज़्यादा पहले ट्राई करी हूँ, चैनल मैंने बाद में खोला है, पहले मैं ट्राई करती थी। फिर मैं जब खुद पे ऐसे DIY करने लगी तो मुझे लगा कि मुझे भी चैनल खोलना चाहिए, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहिए। मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही हूँ, तो मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो गए और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे बालों में। इसलिए मुझे लगा कि चलो चैनल खोलते हैं और हम भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो पहले मुझे ज़्यादा अच्छा बोलना भी नहीं आता था, ऐसे ही मैं जैसे तैसे वीडियो बनाकर और डाल देती थी यूट्यूब पे, जैसे व्यूज़ आए नहीं आए, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता था। पर ये रहता था कि हाँ पूरा डिटेल में बताती और बहुत लंबी वीडियो हो जाती थी, तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती हूँ। तो चलो आप लोग ये भी ट्राई कीजिएगा, ये टॉनिक जरूर ट्राई कीजिए। तो चलो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।